हेलो दोस्तों, सीएलसी की यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। माई सेल्फ आरसी देवाल, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज हम जेई की डीसीएम का 20 नंबर पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पहले जेई मेन के क्वेश्चंस का सोलो करेंगे, उसके बाद जेई एडवांस के सोलो करेंगे। पेपर सोलो कराने से पहले मैं कुछ दो तीन बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। पेपर प्योरली एनसीईआरटी कंपोज किया गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं जो एनसीईआरटी की लाइन से लिए हुए हैं। तो जब मैं सॉल्यूशन कराऊं तो मैं ऑलरेडी आपको उस टाइम बताऊंगा कि ये लाइन मैंने एनसीईआरटी में किस जगह से उठाई है। तो आप उसी तरीके से एनसीईआरटी को रीड करें, क्योंकि आप ये मान के चलना जेई मेन का जो पेपर है वो 90% से ऊपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। बाकी जो पेपर आ रहा है वो एनसीईआरटी से आ रहा है, बट वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड उसका बेस से करके थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है। तो होपफुली पेपर आपने एंजॉय किया होगा। और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जहां जहां गलतियां हुई आप उनको इंप्रूव करें और देखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू एक्सेस एचओसीएल सॉल्यूशन फॉर्म। तो क्वेश्चन है कि एसिटाइलिन को हम एक्सेस एचओसीएल सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं तो क्या बनेगा। तो एसिटाइलिन क्या होता है पहले ये देख लें, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज एसिटाइलिन। इसकी रिएक्शन कराई हमने एचओसीएल से, तो डेफिनेटली हमें एक्सेस में दिया हुआ एच ओ सी एल, तो ये इस पे ओ एच माइनस है, सी एल प्लस है, तो किसी भी साइड करा सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्काइन है तो टू टाइम्स एडिशन होगा। कितने टाइम? टू टाइम्स एडिशन, तो टू टाइम एडिशन होगा। तो एच सी ओ एच, ये ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच सी एल और ये सी एल। अब हमें पता है कि एक ही कार्बन पे दो ओ एच अनस्टेबल होते हैं। दो ओ एच अनस्टेबल क्यों होते हैं, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। दो ओ एच कोई स्टेरिक रीजन नहीं होता, कोई रिपल्सन नहीं होता, सीधा सा कंसेप्ट है। दो ओ एच अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि ऑक्सीजन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन, या फिर कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहां से ये एच टू बाहर हो जाएगा, तो यहां जैसे ही बाहर होगा बनेगा आपके पास एच सी ओ सी एच और ये सी एल सी एल। हम इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटेल्डिहाइड। तो ये डाई क्लोरो, इस पे मैंने दो एच को सी एल से रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। मतलब आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। HCl, HCl कौन सी रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। हमें एडिशन कराना है, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन किस वे से रोटेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन पहले ये इधर से इधर जाएगा, तो यहां से यहां कौन आ जाएगा, एच प्लस आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम मानते हैं कि थ्री मेंबर रिंग भी ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि एस ओनली इसके एंडो हाइब्रिड ऑर्बिटल में 16% एस परसेंट करेक्टर होते हैं। बट यहां आप ऑप्शन को देख सकते हो, मैंने डबल बॉन्ड पे इस पे फोर थ्री मेंबर रिंग पे मैंने एडिशन नहीं करवाया है। एडिशन करूंगा तो थ्री मेंबर रिंग तो ब्रेक होगी ना, तो यहां से आपके पास पहला जो कंपाउंड बना वो ये वाला बन गया, यहां पर एच आ गया और यहां पॉजिटिव आ गया। नाउ रिंग एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। और जब रिंग एक्सपेंशन होगा, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन या डांसिंग रेजोनेंस, नहीं, यहां पे ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। हाँ, दिस टाइप कार्बोकेटाइन अगर होगा तो वो स्टेबल है, क्योंकि इस कार्बन की एक ही प्लेन है, इसलिए ये ऑब्लिक ओवरलैपिंग से स्टेबल हो जाता है। बट यहां स्टेबल नहीं होगा, यहां पे होगा रिंग एक्सपेंशन और ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ये फाइव में रहेगी, ये फोर मेंबर रिंग में हो जाएगी और यहां पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव पे सीएल माइनस अटैक कर देगा और आंसर आ जाएगा थर्ड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको एक एरोमेटिक रिंग दी है, उसमें आपको इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड की लेविस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है और H2 दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। आप देखें ये AlCl3 यहां से ये टूटेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं। मैकेनिज्म तो पहले AlCl3 ऑक्सीजन के लोन पर देगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा, फिर टूटेगा। पर आप इसे देख सकते हो
यहां पे जैसे टूटेगा ये बन जाएगा CO CH2 CH2 CO O- AlCl3 और ये पॉजिटिव, ये वाला आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। अब यहां पे OCS3 कौन सा डायरेक्टिव है बेटा? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है। कौन सा डायरेक्टिव है? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है, तो इसकी पेरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो सकता है। तो मेनली हम पेरा पे करवाएं क्योंकि पेरा वाला मेजर होता है, तो पेरा पे अटैक करेगा। जैसे ही पेरा पे अटैक करेगा आपके पास बन जाएगा ओ सी एच थ्री और इधर से आ गया सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू और ये ओ, ये नेगेटिव चार्ज ए एल सी एल थ्री पे है, ओ ए एल सी एल थ्री माइनस। बट यहां से एच निकला था, जब इसने यहां टेक किया तो यहां से एच प्लस बाहर गया, तो वो यहां से इसको वापस तोड़ देगा और यहां पे क्या सप्लाई कर देगा? अच्छा सॉरी, एक सी ओ हमने छोड़ दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहां पे H वापस से सप्लाई कर देगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेकंड वाला बन जाएगा। आराम से देख लें, टूटा इधर से अटैक किया, ये वाला अटैक हो जाएगा और फिर यहां पे O- AlCl3 हुआ, वहां से जो H+ निकलेगा वो यहां H कर देगा। आगे रिएक्शन दी हुई नहीं है, आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। ओके नेक्स्ट, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए। अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन के रिगार्डिंग बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें समझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए क्वेश्चन। एन एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C7H6Cl2, दो Cl लगे हुए, तो वो दो Cl तो सब में लगे हुए। गिव्स AgCl ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक AgNO3, ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है, तो कौन सा AgNO3 जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हो? तो ये वाला, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। यहां से Cl बाहर हो जाएगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा, यहां से सीएल बार जाएगा, ये भी दे सकता है। यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं आया, एंड यील्ड C7H7 ऑन OCl ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH ऑन ऑक्सीडेशन गिव ए मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन पे वो मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड देना चाहिए। तो अगर मैं यहां ऑक्सीडेशन करवाता हूं, ठीक है, विच एफर्ड ओनली वन मोनो डेरिवेटिव ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन पे भी एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे देगा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी एच टू और ये सी एल और ये सी एल, ये यहां AgNO3 डालूंगा तो ये AgCl की पीपीटी देगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन करवाइए NaOH से, तो ये SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहां बन जाएगा सी एल और CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन करवाया, एन ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो CH2OH ग्रुप COH में चला जाएगा, तो मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड आ गया। ऐसे इसमें भी बन जाएगा, बट इसमें 1,3 पे रहेगा, इसमें 1,2 पे रहेगा, इसमें 1,3 पे रहेगा, इसमें 1,2 पे रहेगा, ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप OH OH यहां लेके आओगे, OH OH दो बार रिएक्शन होगी तो यहां पर यह किसमें चला जाएगा? बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, यहां पे इसका करवाया नाइट्रेशन HNO3, तो देखो Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ठीक है, पैरा पोजीशन इसकी क्या नहीं है, खाली नहीं है, तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और वो ये वाला बनेगा COH Cl NO2, ये वाला कंपाउंड आपके पास बनेगा। तो एक क्या होगा? ए होगा, वो होगा फर्स्ट। एक एक ऑप्शन को चेक करें, जैसे मैंने इसे करवाया है भाई, सारी कंडीशन फॉलो करेंगे ये दोनों भी, बट ये मोनो नाइट्रेशन पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे सकता है, ये भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे सकता है क्योंकि डिफरेंट पोर्शन वेकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू गैसेस पी एंड क्यू बोथ डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन वॉटर, तो ब्रोमीन वॉटर किसका टेस्ट है, मतलब यहां से डीकलराइज करता है, तो डीकलराइज करता है, इसका मतलब यह हुआ कि डीकलराइज करने का मतलब कंपाउंड हैव, कंपाउंड हैव मल्टीपल बॉन्ड, और वो भी मल्टीपल बॉन्ड कौन सा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये टेस्ट है अनसेचुरेशन का, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, ये अनसेचुरेशन का टेस्ट है। देन गिव व्हाइट पीपीटी विद टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन सी पीपीटी देता है,
व्हाइट पीपीटी देता है, इसका मतलब ये हुआ कि टोलेंस रीजन के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब ये टेस्ट है टर्मिनल एल्काइन का, आर सी ट्रिपल बोंड सी एच और ए जी एन ओ थ्री प्लस एन एच फोर ओ एच, दिस इज टोलेंस रिएजेंट, यहां से एच जाएगा और आर सी ट्रिपल बोंड सी माइनस ए जी प्लस और यहां बन जाएगी आपके पास वाइट पीपीटी। तो पी एंड क्यू आर लाइकली, बोल रहा है कि बट ओनली एक ही देता है, तो देखो डीकलराइज दोनों ही करेंगे और ये वाला व्हाइट पीपीटी देगा तो एक ऑप्शन तो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये वाला भी व्हाइट पीपीटी दे देगा, ये वाला भी व्हाइट पीपीटी दे देगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक ही व्हाइट पीपीटी देगा, इसमें ये भी व्हाइट पीपीटी दे देगा, ये भी व्हाइट पीपीटी दे देगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इसकी बात करें तो इसमें ये व्हाइट पीपीटी दे सकता है टर्मिनल एल्काइन, ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी है बट। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, बट यहां डिफरेंस क्या है वो सुने। टू गैसेज पी एंड क्यू, दोनों क्या होनी चाहिए, गैसेज होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, गैसेज होनी चाहिए। तो मैं यहां बता दूं गैसेज की बात करेंगे कि दो गैसें होनी चाहिए, तो ये वाली ये जो है ना ये दोनों ही एल्काइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन तीन से ज्यादा हो, एल्किन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन तीन से ज्यादा हो वो लिक्विड होती है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो ये दोनों ही लिक्विड है, ये दोनों ही क्या है लिक्विड है। तो यहां जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा, बिकॉज दीज टू आर गैसेस, ये गैसेस है इसलिए आंसर जाएगा फर्स्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये तो बहुत ईजी है, एच टू पी डी, दो एच टू का एडिशन कौन सा होता है, सिन एडिशन होता है, क्या बताओ, बोलो सिन एडिशन होता है, और सिन एडिशन होता है तो हमें ये बताया, आपको बताया हुआ याद करो, ये कौन सी एल्किन है, ट्रांस मतलब एंटी, और एंटी पे एडिशन कौन सा हुआ सिन, एंटी पे सिन होता हो सिन पे एंटी होता हो तो क्या बनता है, थ्रीओ पेयर ऑफ एनाइनशोमर, क्या बनता है, थ्रीओ पेयर ऑफ एनाइनशोमर, क्या बनता है, थ्रीओ पेयर ऑफ एनाइनशोमर, या फिर इसको हम बोल देते हैं रेसेमिक मिक्सर, ठीक है मैं बना के बता देता हूं, सी एच थ्री सी एच थ्री डी डी एच एच और इसकी क्या बन जाएगी मिरर इमेज, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हां अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको हमें चेक करना है। रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ सी सिक्स एस सिक्स एंड सी सिक्स डी सिक्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर इक्वल, जी हाँ, क्योंकि रिएक्शन में सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता, तो सी सिक्स एस सिक्स और सी सिक्स डी सिक्स दोनों की रिएक्टिविटी सेम रहने वाली है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आरडीएस में ब्रेक नहीं होता, स्टेटमेंट सही है, हमें इसे पूछा है, नॉट करेक्ट। CD bond is stronger than CH bond, definitely ये तो सही बात है, CD bond ज्यादा strong होता है CH से। Sulfonation is a reversible reaction, ये भी सही बात है। In sulfonation, sigma complex formation is the rate determining step, गलत बात है। In sulfonation, sulfonation, carbon hydrogen bond breaking, वो कौन सी step होती है, RDS होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या आएगा, हमसे पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट का मतलब आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर, बोलो ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस पैलेडियम कैटलिस्ट, पॉइजनस पैलेडियम कैटलिस्ट किसको बोलते हैं भैया बताओ, लिंडलार कैटलिस्ट को, किसको बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट को, और ये क्या करता है लिंडलार कैटलिस्ट, एल्काइन का रिडक्शन करता है किसमें, सिस एल्किन में, किसमें, सिस एल्किन में। तो देखो इधर तो ऑलरेडी ट्रांस बनी हुई है, ठीक है ये ट्रांस है, और इधर क्या बन जाएगी, ये तो ट्रांस है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एच थ्री एच, इधर आपके पास ये ऑलरेडी ट्रांस दी हुई है एच और सी एच थ्री, उधर जब बनेगा डबल बॉन्ड H H CH3
CH3। तो इधर ट्रांस है, इधर क्या है सिस, और ये वाला जो बन गया वो बन गया स्यूडो काइरल सेंटर। क्या बन गया? स्यूडो काइरल सेंटर। स्यूडो काइरल सेंटर मतलब ग्रुप्स आर सेम बट देयर स्टीरियो आर डिफरेंट। ग्रुप तो सेम ही है दोनों, बट इनकी स्टीरियो डिफरेंट है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द बेस्ट रिएजेंट टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए बेस्ट क्या हो सकता है? तो देखो यहां पे आपसे पहले ये लिया है, फिर ये रिएजेंट लेना है, फिर ये लेना है, थर्ड लेना है, उसके बाद यहां पे ये एडिशन। तो ऑप्शन को देखने से पता लग रहा है कि OH का एडिशन हुआ है, OH का एडिशन हुआ है। तो यहां OH को मैं देखूं तो यहां मेरे को पता लग रहा है कि ये क्या है, 3O पेयर ऑफ एनाइनशोमर। क्या है? 3O पेयर ऑफ एनाइनशोमर है ये पता लग रहा है। तो यहां मैं 3O पेयर ऑफ एनाइनशोमर लेता हूं तो वो कब बने भाई? इसका भी सिन एडिशन होगा 2OH का, ये भी सिन एडिशन करेगा, ये भी सिन एडिशन करेगा। इसका तो मतलब ही नहीं है, 2OH नहीं जोड़ेगा ये, थर्ड रिएजेंट की बात कर रहा हूं। तो ये आपको सिन एडिशन दिया हुआ है, सारा सिन एडिशन दिया हुआ है, सिन एडिशन करेंगे ये सब। तो सिन एडिशन, अगर ये सिन एडिशन होता हो तो यहां मुझे, यहां आपके पास यहां जो एल्कीन है वो एल्कीन है वो कौन सी है? एंटी। क्योंकि एंटी पे सिन एडिशन होगा तभी तो 3O बनेगा। आगे बात समझ में? तो ये सिन आपके पास, यहां सिन एडिशन होगा तो यहां जो एल्कीन दी हुई है ना वो कैसी है? एंटी। एंटी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं इसकी सीक्वेंस को लगाता हूं, देखें। सबसे पहले मैंने ये लिया कार्बन कार्बन कार्बन, एक दो तीन कार्बन है और Br। यहां पहले मैंने ले लिया एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करवाई, एसिटाइलिन ले लेते हैं पहले, एसिटाइलिन लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई NaNH2NH3 से, NaNH2 और ये NH3, कौन सी रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां से दोनों तरफ से H चला गया और बन गया आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड, ये C और यहां पे आ गया Na+ और यहां भी क्या आ गया? Na+। फिर आपको दो मोल दिए हुए हैं, ये वाले दो मोल दिए हुए हैं, तो कार्बन कार्बन और ये Br, इधर भी कार्बन कार्बन और ये Br, इधर से ये अटैक होगा ये बाहर होगा, इधर से ये इस पर अटैक करेगा ये बाहर होगा, कौन सी मैकेनिज्म जाएगी बोलो? SN2। तो आपके पास बन गया ये वाला, इधर से भी ये ट्रिपल बॉन्ड और यहां भी ये ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी एल्किन बनानी है तो मुझे H2PD यूज में लूं या क्या लूं भाई? मुझे 3O बनाना है, सिन एडिशन यहां पे आपको दे रखा है, तो मुझे एंटी बनानी पड़ेगी ना, एंटी इससे बनेगी क्या? ब्रिज रिडक्शन। तो यहां पे NaNH3 और ब्रिज रिडक्शन, कौन सा करवाऊं? ब्रिज रिडक्शन करवाऊं, ब्रिज रिडक्शन कराऊंगा तो कौन सी बनेगी? एंटी बनेगी, एंटी एल्कीन बनेगी। एंटी का मतलब क्या होता है पता है ना? ट्रांस। तो ट्रांस पे फिर यहां ट्रांस जो बन जाएगी वो ऐसे बन जाएगी, यहां जो बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, और इस पे रिएक्शन करवाऊंगा मैं, यहां पे बेयर एजेंट है ये कोल्ड केमनो 4 बेयर एजेंट, इसका एडिशन होगा सिन 2OH, सिन पे एंटी एडिशन तो आ जाएगा 3O पेयर ऑफ एनाइनशोमर, आंसर जो जाएगा हो जाएगा थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन C7H12 ऑन ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस ब्यूटा 2-3 डाई ऑन एथेनल एंड मेथेनल द हाइड्रोकार्बन कुड बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको तोड़ के चेक कर लो, सबसे बेस्ट वे है ये, ऑप्शन दिए हुए हैं तो देखो आप इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो गलत किसी बच्चे का होना भी नहीं चाहिए। तो इधर तो बना CH3COH और इधर आपके पास बन गया COH, उसके बाद ये CH3, यहां से टूटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बन गया CO CH3 और इधर बन गया आपके पास मेथेनल, ये वाला हो गया मेथेनल, मेथेनल दिया हुआ है, ये वाला मेथेनल हो गया, एथेनल एथेनल ये वाला हो गया, और इसका नाम हम देखेंगे तो वो होना चाहिए ब्यूटा 2-3 डाई ओन, तो ये 1 2 3 4
चोरी, ये आपके पास होना चाहिए। इधर से बात करें अपन, ब्यूटा 2,3 डाई ओन, ब्यूटा 2,3 डाई ओन। तो यहां पे आपके पास बन गया, अच्छा और CH3 है, सॉरी ये CH3 है, तो ये बन गया। यहां से नंबरिंग कर देंगे अपन 1, 2, 3, 4 और 5। यहां से CH3CHO बना। एक बार वापस से चेक करते हैं हम इसको, कहीं मिस्टेक हुई अपने से, वापस से चेक करते हैं। यहां से टूटा ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो इधर तो बन गया CH3COH प्लस, इधर बन गया COH। और तो कहीं से एसिटाइलडिहाइड बनेगा नहीं, एसिटाइलडिहाइड बनाना है हमें तो वो इसी से बन रहा है, और कहीं से एसिटाइलडिहाइड बनेगा नहीं। उसके बाद मेथेनल भी इसी से बनेगा, ये बना, और इधर बन गया ये CH3CHO CHO, और यहां पे पास वाले कार्बन पे C यहां से तोड़ा तो ये बन गया O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर पास वाले कार्बन पे CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहां H लगा हुआ भैया, ये डबल बॉन्ड O से जुड़ गया, फिर ये कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लो। तो ये हो गया ब्यूटा 2,3 डाई ओन, ये वाला तो आंसर जाएगा, वो जाएगा 4th। नेक्स्ट, एक 11 क्वेश्चन है, C10H14 एल्काइन केमोनोफोर से COH बना रहा है, ए जो है वो आपका काइरल है, ए जो है वो काइरल है और इनर्ट टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होता है उसका, और बी जो है वो एकाइरल है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए वहां पे, तब ये केमोनोपोर से ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, COH में जाता है। तो यहां बोल रहा है ए जो है वो इनर्ट टू ऑक्सीडेशन, मतलब वहां कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इस पे, या हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, और बोल रहा है कि काइरल होना चाहिए, तो काइरल कौन सा होगा, नहीं होगा, तो वहां बात करें तो ये वाला देखो इधर, इसको समझे, ए एंड बी, ए एंड बी यहां बात करें अपन, तो ऑप्शन और होंगे ना इसके 3, 4, अच्छा एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ए बोल रहा है कि काइरल है और इनर्ट टू ऑक्सीडेशन, तो ए काइरल होना चाहिए और इनर्ट टू ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और बी जो है वो एकाइरल है और वो कंपाउंड बना देगा, तो बी जो है ए इनर्ट टू ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ए काइरल होना चाहिए और बी जो है वो इनर्ट टू ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बी जो है वो इनर्ट टू ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो आंसर जाएगा 1st। ये काइरल है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये वाला ए है, ठीक है, और फिर दूसरा बी है, ये वाला ये बी है, यहां से ये रिएक्शन यहां खत्म हो गई, बी जो है वो इनर्ट टू ऑक्सीडेशन है, और बी क्या है, एक काइरल है, तो ये एक काइरल है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आंसर जाएगा वो जाएगा 1st, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अधूरी थी, मैंने पूरी कर दी है। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल विल गिव द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ केमोनोफोर, कौन सा ये कंपाउंड बनाएगा, तो इसका भी वही हुआ, तोड़ तोड़ के चेक करो, जैसे मैं इसको तोड़ता हूं, इसको ब्रेक करता हूं, देखो यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो वहां से टूटा तो वहां डबल बॉन्ड ओ आया, ऑक्सीडेशन कराना आता होगा आपको, ये 5 मेंबरिंग है, ये यहां पे ये एच है तो ये COH में जाएगा, उसके बाद इधर से ये सी डबल बॉन्ड ओ में गया, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ में गया, इधर से जुड़ गया, फिर ये वाला, और फिर ये कार्बन किस में चला गया, COH में। आप देखें ये जो कंपाउंड बनाया 5 मेंबर पे के दो, एक तो CH2COH ये है तो ये वाला आ गया, और एक साइड में डबल बॉन्ड ओ है, ये वाला हो गया, साइड में जो ग्रुप जा रहा है वो सी डबल बॉन्ड ओ और CH2 ये COH हो गया,
और ये वाला CH3 हो गया ये वाला, तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये सिंपल सी रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस पे अगर हेलोजन का एडिशन कराऊं Cl2 का, तो ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, एक Cl इधर जुड़ेगा और एक Cl इधर जुड़ेगा, तो यहां से रिंग टूट जाएगी और एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा। ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? फर्स्ट, सिंपल एडिशन ऑफ Cl2, थ्री मेंबर रिंग एडिशन रिएक्शन देती है। नेक्स्ट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, BH3XS H2O2OH-, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH वहां जाता है जहां भीड़ कम है, OH वहां जहां भीड़ कम है, तो एक्सेस में दिया है तो यहां पे भीड़ कम है, इस जगह भीड़ कम है, तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा P बनेगा, वो बनेगा CH2OH, ये CH2OH और ये वाला CH2OH, फिर इसकी रिएक्शन करवाई हमने, कंसंट्रेट H2SO4, एक्सेस में दिया है, हीट दिया है, E1 मैकेनिज्म लगेगी, एलिमिनेशन, 3 टाइम H2 बाहर होगा, 3 मोल H2 बाहर होगा, देखो पहला बाहर गया कार्बोकेटन बना, इस रिंग का एक्सपेंशन हुआ, फिर ये बाहर गया तो 3 टाइम एक्सपेंशन, कितने टाइम? 3 टाइम एक्सपेंशन। ये तो फेमस क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा? बेंजीन। नेक्स्ट, कंपाउंड ए ऑन हाइड्रोजनेशन कंज्यूम 2 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 4 मिथाइल 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। व्हेन ए इज ट्रीटेड विद ओजोन फॉलोड बाय रिडक्टिव वर्कअप 2 प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ट्राइकार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ विच इज गिवन बिलो। ठीक है, एक तो यह कंपाउंड बनता है और एक क्या बन रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब यह फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, और बोल रहा है रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम करता है, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो डबल बॉन्ड इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, थोड़ा सा इसको यहां लिखवा लेके जाता हूं, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, मतलब ये 2 मोल कंज्यूम कर सकता है, ये वाला केवल 1 मोल कंज्यूम करेगा और ये वाला 2 मोल कंज्यूम करेगा, तो बहुत ईजी है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं, क्योंकि इस पे 2 H2 आ सकते हैं, H2 इसमें भी आ सकते हैं भैया, इसमें भी आ सकते हैं, बट प्रोडक्ट देखो यहां से मुझे नजर आ रहा है कि यहां से ये जो CH2 है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा, बाकी जो टूटेगा वो ये बनाएगा, यहां से भी टूट जाएगा ये ओजोनोलाइसिस से, तो डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये 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 और यहां पे ये ये डबल बॉन्ड O, इधर तो ये बन गया, इधर से जुड़ा ये वाला और यहां बन गया COH। इस कंपाउंड का नेमिंग चेक करना है, तो इस कंपाउंड का नेमिंग हमें बोल क्या रहा है, वो क्या ये वाला कंपाउंड है, ये CHO हो गया, ठीक है, और ये सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो आंसर जाएगा, हो जाएगा थर्ड। इसमें तो ऑप्शन ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं की आपको, कि इजी वे में हो जाए, पेपर बहुत इजी बनाया मैंने, एकदम मेन ओरिएंटेड पेपर जिसमें अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े इजी भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को कंपोज, पेपर को कंपोज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट फॉर एल्किन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ HX यूजिंग द आंसर कोड। HX की रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और मैं बता दूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, फिर सिंपल, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, ये ऑर्डर आता है आपका रिएक्टिविटी का। ठीक है, तो यहां पे देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहां 2 CH3 का क्या लग रहा है? प्लस एच प्लस एच, यहां भी 2 CH3 का क्या लग रहा है? प्लस एच प्लस एच, यहां 1 CH3 का क्या लग रहा है? प्लस एच, यहां NO2 का क्या लग रहा है? माइनस आर। सबसे लेस रिएक्टिव ए है, सबसे लेस रिएक्टिव ए है, ऐसे ऑप्शन 2 है हमारे पास, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सी और डी में सी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहां कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल बनेगा और लीनियर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, एक ही साइड से 2 प्लस एच लग रहा है, तो सी मोस्ट रिएक्टिव रहेगी, उसके बाद डी, फिर बी, ए, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1-bromo-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chlorobenzene। तो पहली रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन को करवा के देख लेते हैं, कोई नहीं, इसमें तो क्या होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पे Br क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो Cl जाएगा, तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? यहां तो ये बनेगा Br और ये Cl,
तो ये तो हमें ये तो बनाई नहीं सकता। इसमें SO3H2SO4 से पहले सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा तो सल्फोनेशन से पहले ये बन जाएगा बी आर और ये SO3H ये बन जाएगा, या फिर पेरा वाला बन सकता है। Cl2 से फिर Cl चला जाएगा, H2SO4 हीट इसे भी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो NO2 Cl2 AlCl3 ये कौन सा डायरेक्टिव है बताओ, मेटा डायरेक्टिव। तो यहां NO2 जब रिएक्ट करेगा तो Cl कहां जाएगा, यहां पे। फिर ZnSCl से रिडक्शन हो जाएगा क्या NO2 का, किसमें बोलो, NH2 में। तो यहां बन जाएगा ये वाला NH2 और ये Cl। उसके बाद HNO2 कोल्ड डाइजोनियम सोल्ट, HNO2 कोल्ड तो डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा और बन जाएगा यहां पे N2 प्लस Cl माइनस और ये Cl। उसके बाद Cu2Br2 बोलो कौन सी रिएक्शन, बोलो NCRT सेंड मायर रिएक्शन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा ARSN1 मैकेनिज्म और ये Cl और ये Br। तो इससे हम बना सकते हैं, पर से नहीं बनेगा क्योंकि Cl जो जाएगा वो पेरा पे जाएगा, यहां NO2 जाएगा वो पेरा पे जाएगा, Cl और तो पेरा डायरेक्टिव है, फिर यहां पेरा पे Br सप्लाई हो जाएगा, हमें 3 पे सप्लाई करना है Br, 1-bromo-3-chloro। तो आंसर जाएगा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये SOCl2 प्रोक्साइड तो ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। तो अक्ष जो बनेगा वो ये बन जाएगा डी डी डी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे जाएगा और ये Cl। फिर एल्कोहलिक OH क्या बाहर करेगा, HCl कौन सी मैकेनिज्म, E2 बोलो, ड्यूटेरियम के ड्यूटेरियम को बाहर निकालोगे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन वीक है तो हाइड्रोजन यहां से HCl क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला डी डी डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डी और ये डी। तो वाई तो ये है, ये रहा वाई, ठीक है वाई। और ए कौन सा है, ए आपके पास ये बना है, ठीक है, अक्ष ये है और वाई ये है, ओके। तो आंसर आ जाएगा वो बी और डी, तो आंसर आ जाएगा वो आएगा सेकंड। नेक्स्ट, इस कंपाउंड की रिएक्शन करानी है HBr से इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कौन सी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो पहले कौन जुड़ेगा, पहले Br रेडिकल जाएगा, पहले Br रेडिकल, लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल, कंसेप्ट क्या बोला है, पहले Br रेडिकल जाएगा, पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। तो देखो ये पाई बॉन्ड टूटा, ये इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो मैं पीछे बेंजाइलिक रेडिकल छोड़ू तो Br इस पे जाएगा और H इस पे जाएगा, तो पहले बना ये वाला PHCH रेडिकल CHBr और ये CH3, अब जाएगा HBr, तो वापस टूटेगा तो H रेडिकल यहां पे जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन सा दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, सेकंड इज करेक्ट आंसर, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, C6H12 है, हैज ओनली टू टाइप ऑफ एल्कीन दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ एल्केन। बोला कि C6H12 है उसको केवल दो टाइप की एल्कीन रखती है, तो इसमें तो बहुत सारी एल्कीन हो जाएगी क्योंकि एक बार यहां लगाऊंगा एक, एक बार यहां लगाऊंगा दो, फिर इसके सिस ट्रांस, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक बार यहां लगेंगे तो इसके तो पांच टाइप की एल्कीन बन सकती है, तो पांच टाइप एल्कीन इसका मतलब नहीं है। ये देखो सेकंड, देखो इसमें एक एल्कीन ये वाली बन गई और एक एल्कीन ये वाली बन गई। अब इसका रिडक्शन करूंगा, रिडक्शन H2 से करूंगा तो यहां भी यही बनेगा, और यहां रिडक्शन H2 से करूंगा तो भी यही बनेगा, तो मतलब आंसर क्या आएगा सेकंड, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। H3PO4 हीट क्या करेगा, E1 डिहाइड्रेशन H2O, पहले H प्लस यहां अटैक करेगा, ठीक है, और कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब Me, ये Me और ये Me और यहां बन जाएगा OH2 पॉजिटिव और उसके बाद ये Me, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा Me और ये Me और ये Me, उसके बाद आपके पास यहां पे बन गया ये
कार्बोकेटाइन, ओके, 1,2-मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2-मिथाइल शिफ्ट, तो 1,2-मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर एम ई ये वाला, ओके, और यहां पे आपके पास सी एच थ्री आ गई, इधर ये वाला ये बच गया और यहां पे आ गया पॉजिटिव। अब इसके रेस्पेक्ट में H प्लस बार होगी, वो H प्लस बार करते हैं जिससे स्टेबल एल्कीन बनती हो, तो आपके पास फाइनली जो एल्कीन आएगी ना वो ये वाली आएगी। इस पे अटैक करवाना है OH Br का, तो Br2 पहले साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन बनाएगा, ये Br प्लस, अब रिंग ओपनिंग कौन करेगा, OH माइनस कहां से आया, ये वाटर से आया, स्टेबल कार्बोकेटाइन रिंग ओपनिंग करेगा, और ये यहां से यहां, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा थर्ड में, थर्ड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन से क्वेश्चन सेट किया हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे भैया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, भाई यहां रिएक्शन की HBr से तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, अक्ष क्या बना होगा, अक्ष ये बना है CH3, एक तरफ Br जुड़ गया, डबल बॉन्ड CH और ये CH3, फिर वापस HBr की रिएक्शन हुई तो Y क्या बना, CH3 CBr Br CH2 CH3 ये बन गया, और यहां इस पे रिएक्शन कराई तो HBr रेट, ये R1 R2 है रेट, तो एक चीज तो ध्यान रखें, एल्कीन मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, एल्काइन से एल्किन क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्किन यहां दी है, एल्किन अक्ष एल्किन बनी और एक एल्किन यहां दी हुई है, इस पे बीआर का माइनस आई लग रहा है, इस पे दो CH3 का क्या लग रहा है प्लस एच लग रहा है, और यहां बीआर का क्या लग रहा है माइनस आई लग रहा है, दो CH3 का यहां भी लग रहा है बट एक एक्स्ट्रा माइनस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो R4 होगा, फिर एल्किन आएगी वो होगा R2, अब ये भी एल्काइन और ये भी एल्काइन, बट इस एल्काइन पे दो CH3 का क्या लग रहा है प्लस आई लग रहा है, तो वो एल्काइन ज्यादा रहेगी, फिर R1 और सबसे कम R3। वापस सुन ले कंसेप्ट क्या रिएक्शन का, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, तो एल्कीन यहां भी थी, यहां भी एल्कीन बनी, बट इस पे बीआर का माइनस लग रहा है इसलिए लेस रिएक्टिव होगी, तो सबसे पहले R4 आएगा, उसके बाद R2 आएगा, उसके बाद एल्काइन रह गई दोनों, इस पे दो CH3 का प्लस आई लग रहा है, तो फिर R1 और देन R3। ओके, नेक्स्ट, ये प्योरली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इनको याद रखे भैया, क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला रिएक्शन एकदम सही है, ये बनेगा इसमें, इसमें ये नहीं बनता, गलत है, यहां पे CO बनता है, ये रिएक्शन गलत है, ये कॉपर की प्रेजेंस में मेथेनॉल बनता है, ये सही है, इसमें मोलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्मेलेट बनता है, ये भी सही है, तो ACD आपके पास क्या है करेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां बोला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4, कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 दिया है, तो एडिशन ऑफ H2SO4 ये भी किसकी रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो CH3 CH एक तरफ तो जुड़ जाएगा OSO2OH और ये CH3 और ये H, ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे, तो ये वाला है यहां H2SO4 का एडिशन कैसे होगा, H प्लस HSO4 माइनस HSO4 माइनस ये वाला रहा। नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी, एल्केन है, मोलिब्डेनम Al2O3 773 केल्विन और 10-20 ATM बनाता है मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मतलब ये वाला, तो ये किससे बन सकता है, इसके लिए कितने कार्बन चाहिए, 7 कार्बन रिक्वायर्ड, तो देखो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब ये कार्बन मिलेंगे तो बेंजीन बनेगी, बेंजीन के ऊपर एक CH3 रह जाएगा, तो ये CH3 कहीं लगा दो चाहे, जैसे 1, 6 को मैंने जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और 3 नंबर पे लगा हुआ है 1, 2, 3, यहां ये CH3 लगा हुआ है, तो यहां बेंजीन बन गई, तो ये बन गया, तो इससे बनाया जा सकता है, इसके अलावा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें भी 1, 6, ठीक है, रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग, और क्या नाम है, रीफॉर्मिंग, एनसीईआरटी पढ़े भैया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों से बनाई जा सकती है, फोर्थ एनसीईआरटी से दिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाउ अगेन एनसीईआरटी, ये H3O बोला है एसीटोन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो देखो इधर इसमें इलेक्ट्रॉन, ये H3O+ का मतलब क्या है, H+
ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, एच प्लस का अटैक हो गया, उस पर OH हो गया, सी एच टू सी ओ एच, उस पर OH चला गया, पॉजिटिव पे OH चला गया, डबल बॉन्ड और सी एच टू, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, एसीटोन बन गया क्या? इनोल से किसमें चला गया? कीटो में चला गया। इनोल से किसमें चला गया? कीटो में। एसीटोन बन गया, सही है ये तो, पर तो एसीटोन बन रहा है। HgSO4 में OH का एडिशन कहां होगा? जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ इधर OH जाएगा और इधर H जाएगा, तो यहां क्या बनेगा? CH3OH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, वापस से जाएगा, ये भी एसीटोन बनाएगा। इसमें कहां जाएगा पता है क्या? पता है क्या? लिख देता हूं OH, देखो मैंने पढ़ाया था OH, वहां जहां भीड़ कम, तो इसमें OH कहां जाएगा? यहां पे OH जाएगा, तो इसमें बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH OH, और यहां से ये टोटोमराइज होगा और एल्डिहाइड बना देगा, तो फर्स्ट और सेकंड में आपके पास क्या बन रहा है? एसीटोन बन रहा है। नेक्स्ट, CCl3CHCl2H2O, तो CCl CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले तो ये बनेगा Cl प्लस, अब रिंग ओपनिंग करेगा H2O का OH माइनस, किधर से करेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो इसका क्या लग रहा है? माइनस आई, तो इधर से अटैक करेगा और ये इधर से इधर जाएगा, तो बनेगा CCl3CHCl CH2OH। ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कहां पे है? कहां पे है? सेकंड 28, एसाइक्लिक एल्केन जिसका फॉर्मूला है C5H10 प्रोड्यूस टोटल 6 आइसोमर प्रोड्यूस करना चाहिए, वो भी कब? मोनोक्लोरीनेशन पे, एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर कंसीडर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल को हटा देना है, ज्योमेट्रिकल कंसीडर करना है पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो इसमें एक बार यहां बनेगा, एक बार ये बनेगा, एक बार ये वाला, इसके दो बनेंगे ई एंड जेड, ये भी इसके भी दो बनेंगे ई एंड जेड, इसके सिस और ट्रांस, इसके भी सिस और ट्रांस, ये एक तो एक एक, इसके दो, इसके दो, ये देगा केवल एक ही देगा, ये केवल एक दो तीन, एक वहां देगा दो तीन और चार, ठीक है, ये पांच देगा, ये वाला एक देगा, दो 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 दो, दो। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एक दो क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने डाले हैं इसे, तो इसमें केवल हिट दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन किस वे से होगी? ये दिया हुआ है यहां पे, ये वाला दो कार्बन देन NH2 और ये Br, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, ये यहां अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा? बाहर कर देगा, तो ये बनेगा, ठीक है, NH, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये वाला बन जाएगा, यहां पे कार्बन अपने बढ़ा दिया गया, NH2 दो ही कार्बन है ना, तो एक दो यहां पे भी, एक दो यहां पे भी, दो ही रख रहे हैं, ये लो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अच्छा, पॉसिबिलिटी इसकी भी आई होगी लोगों के पास कि ऐसे घुमा के इसको डायरेक्ट अटैक कर देते, तो यहां ब्रिज पोजीशन पे SN2 नहीं हो पाएगी, एक तरह से ब्रिज पोजीशन ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है NH2 के कंपेयर में, तो पहले इधर से अटैक होगा, तो यहां पॉजिटिव होगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ये प्योरली एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी में रिएक्शन पढ़ोगे क्रैकिंग एंड पायरोलाइसिस, जिसमें हम एल्केन को हाई टेंपरेचर पे हीट करते हैं तो वो अपने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, एल्केन बनता है, एल्किन बनता है और H2 निकलता है, इस गैस का यूज कहां किया जाता है? एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग की थ्योरी है, थ्योरी से क्वेश्चन लिया हुआ है, विच प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, तो इसमें हम बोलते हैं पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। तो ये थे सेक्शन ए के क्वेश्चन, नाउ इंटीजर क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ब्रोमीन विल रिएक्ट विद 21 ग्राम ऑफ C3H6, तो देखो इधर C3H6 फॉर्मूला हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 और Br2 रिएक्ट करता है और बनाता है ये वाला Br और ये Br, आप ये देखो
इसका कितना ग्राम है 42 ग्राम और इसका कितना ग्राम होता है 160 ग्राम। 42 ग्राम के लिए कितनी चाहिए 160, तो 21 ग्राम के लिए कितनी चाहिए 80। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो सीधा सा है तो इसका तो आंसर आ जाएगा 80। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस मिथाइल बेंजीन अपॉन सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से आपको मिथाइल बेंजीन बनाना है ये वाला, तो ये कितने बना सकते हैं? तो देखो एक तो इससे बन जाएगा CH2 और ये COH इससे बन जाएगा, इसके अलावा एक इससे बन जाएगा COHCH3, एक इससे बन जाएगा इसी के आइसोमर बना दो COHCH3 और एक इससे बन जाएगा ये COH और ये CH3। तो सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO, तो यहां से CO2 बार हुआ, यहां से CO2 बार हुआ, यहां से CO2 बार हुआ, ये हो गया। तो कितने हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं ऐसा हम, तो आंसर आ जाएगा 4। ओके नेक्स्ट, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थिलीन। नेप्थिलीन ये होता है क्या? तो इसमें sp2 कार्बन कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी नंबरिंग में इसकी ढंग से कर देता हूं, इसको हटा देते हैं, बार बार क्यों मिटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, टोटल 10 कार्बन है। एक sp2 कार्बन के पास कितने sp2 ऑर्बिटल होते हैं? एक sp2 के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 × 3 मतलब 30। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल सी इन वन प्लेन। ए है रेड हॉट कॉपर ट्यूब, पता है फेमस रिएक्शन है, ए इज लोवेस्ट मॉलिक्यूल एल्काइन, तो लोवेस्ट तो ये वाली हो गई, तो ये ए हो गया। फिर आपने यहां बी बनाया तो बी क्या बन गई, बेंजीन बन गई क्या, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। इसकी रिएक्शन कराई मैंने CH3Cl से, CH3Cl और ये AlCl3, कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो CH3 जुड़ गया और ये वाला बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कार्बन ये H, एक H बिलो द प्लेन और एक H अबाउ द प्लेन, बाकी ये वाले H, ये H, ये वाले H सभी क्या हैं, एक ही प्लेन में है। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल सी इन वन प्लेन, वन प्लेन में टोटल कितने एटम है, वन प्लेन में टोटल कितने एटम है। तो देखो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, एक ब्लैक कलर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द पोर्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइबल टू अटैक टू बाई एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखो इस NO2 का जब माइनस आर लगेगा, इस NO2 का जब माइनस आर लगेगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां, पॉजिटिव यहां, पॉजिटिव यहां, तो यहां तो नहीं जाएगा, बट इस क्या ये इस NO2 के पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में जाएगा नहीं, क्योंकि उस NO2 के रेस्पेक्ट में मेटापोजिशन पे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में नहीं आएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैविंग रिंग, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज्यादा है, तो इसमें कहां जाएगा ऑर्थो, भाई इस रिंग का प्लस आर लगेगा तो ऑर्थो पे जाएगा, मतलब कहां जाएगा दो नंबर पे, मेटा पे नहीं जाएगा ऑर्थो पे जाएगा, क्योंकि इस रिंग का प्लस आर लग रहा है, तो दो नंबर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, प्योरली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी पढ़े भैया, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, हाइड्रोकार्बन आर द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सही स्टेटमेंट है हाइड्रोकार्बन, जहां एनसीईआरटी स्टार्ट करती है वहां ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सही बात है। हायर हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, ये भी लिखा हुआ है नीचे थ्योरी में, शुरू के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ये भी सही है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन टू बेंजीन रिंग फ्यूज्ड टुगेदर आर टॉक्सिक एंड सेड टू पजेज,
कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, जी हाँ, एंड हाइड्रोकार्बन के एनसेट में जाओगे, लास्ट वाले पेज में जाओगे, बड़ी फ्यूज साइकिल देख दिया, वहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये भी सही है। अंडर स्पेशल कंडीशन पॉलीएसिटाइलिन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप पढ़ोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पहले वाली रिएक्शन है ये। अंडर स्पेशल कंडीशन पॉलीएसिटाइलिन और पॉलीथीन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड इन बैटरीज, ये बात भी सही है। मोस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट हैव प्लीजेंट ऑर्डर, गलत बात है। जितने भी एरोमेटिक शब्द आया है एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर, अच्छी वाली महक आनी चाहिए, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। मैंने बोला प्लीजेंट ऑर्डर नहीं रखते तो गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर हाइड्रोकार्बन, आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये 6Cl2NH3 डार्क क्लोराइड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, और साइड में बनेगा, बोल रहा है P इज साइक्लिक कंपाउंड, देन नंबर ऑफ टोटल एटम इन P विल बी, कितना इजी क्वेश्चन पूछा, इससे क्या इजी पूछूं, 6Cl हो गए, 6 कार्बन हो गए, टोटल हो गए 12 है। नेक्स्ट बोला है CCl4 नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो देखो इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3Br2 का एडिशन होगा, Br2 का क्या होगा, एडिशन होगा, तो CCC Br और ये Br, दो कायरल सेंटर आपके पास बन जाएंगे क्या, जी हाँ, तो RR हो सकता है, SS हो सकता है और RS हो सकता है, मतलब टोटल कितने बनेंगे, 3, या फिर ऐसे देख लो, इसका मैं सिस फॉर्म लूंगा फिर Br2 का कराऊंगा, इसका एंटी ट्रांसफॉर्म लिया फिर Br2 कराऊंगा, तो ये तो एंटी एंटी पे एंटी, या तो क्या बना मीजो मतलब 1, और ये वाली कौन सी है सिन, और ये एंटी, यहां बनेगा 3O पेरोप 3O एनेंशियमर, तो इससे 2 बने, इससे 1 बना, 3, आंसर 9 नंबर। हाउ मेनी कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन एसिडिक मीडियम, दिस कितने बनाए जा सकते हैं, तो देखो इधर CH2CO स्केलेटन हैविंग एसाइक्लिक कार्बोनिल कैन बी प्रिपेयर, क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगता है और ट्रिपल बॉन्ड पे ये बनता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, और इनसाइक्लिक मिनिमम 8 कार्बन, मिनिमम कितने होने चाहिए, 8 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि 8 कार्बन से पहले ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बोला कि बनाए जा सकते हैं, तो इसमें CH3 ये CH2S समूह है, ये बनाया जा सकता है, इसमें नहीं है, नहीं बनाया जा सकता, 8 कार्बन का नहीं है, नहीं बनाया जा सकता, इसमें CH2 नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता, इसमें CH2CO है, ये बनाया जा सकता है, 8 कार्बन का है, बनाया जा सकता है, CH2CO है, ये भी बनाया जा सकता है, इसमें नहीं है, नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता, इसमें CH2 है, तो ये बनाया जा सकता है, तो कितने बनाए जा सकते हैं वो चेक करने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 बनाए जा सकते हैं। नाउ फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कोहल इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है, तो यहां से कौन जुड़ेगा, डी, और यहां से कौन जुड़ेगा, ओडी, और ओडी कहां, कहां, वहां जहां भीड़ कम, तो ये बनेगा, कैसा एडिशन होता है बोलो, सिन एडिशन होता है क्या, ठीक है, तो यहां अगर ओडी की फिक्स हो गई, ओडी इस पे जाएगा और डी भी इस पे जाएगा और CH3 यहां चला जाएगा और H यहां चला जाएगा, एक तो ये, एक इसकी मिरर इमेज डी इस पे दिखा दूं और ओडी भी इस पे दिखा दूं, H यहां दिखा दिया और CH3 यहां दिखा दिया, आंसर आएगा। तो ये था JEE मेन का पेपर, ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस के पेपर की। नाउ हम बात करते हैं JEE एडवांस के पेपर की, जैसा आपको पता है JEE एडवांस में पहले सिंगल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम MCQ की बात करेंगे।
और उसके बाद इंटीजर की बात करेंगे। यहाँ चार पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में दो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद 17 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू के हैं, बाकी 10 क्वेश्चन आपके पास इंटीजर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रोड मैप रिएक्शन, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ गिवन अबाउ रिएक्शन, और उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पहले आप रोड मैप को ढंग से देख लें कि क्या बात कर रहा है वो। ये बोल रहा है C10H14 कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4, दैट मींस मिक्स एसिड, और यहां होगा नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। रिएक्शन करवाएंगे, बी बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से, सॉरी Br2 से लाइट की प्रेजेंस में करानी है, यहां हो जाएगी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फिर सी बनेगा, फिर KOH ETOH मतलब एल्कोहलिक KOH है, यहां पे ये HBr बाहर कर रहा होगा, फिर Br2CCl4 मतलब यहां पे वापस से Br2 का एडिशन हुआ होगा, NaNH2 से माइनस HBr बाहर हुआ होगा, और H2SO4 एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मतलब यहां जो प्रोडक्ट बना है ना वो 100% क्या होगा, एल्काइन होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या है क्या नहीं है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखें, मैं खाली पेज ले लेता हूं एक, हमें बोला हुआ है C6H14, तो C6H14 की बात करूं तो मैं इस वाले कंपाउंड की बात कर लेता हूं, बेंजीन तो डेफिनेटली है ही, ये जो कंपाउंड आपका C8H14, क्योंकि ये कंपाउंड सिंगल नाइट्रेशन से सिंगल प्रोडक्ट देगा। इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने करवाई HNO3 प्लस H2SO4 से, तो एक ही पोर्शन है, सिंगल देगा, और तो भी ले सकता था, मेटा भी ले सकता था, पेरा भी ले सकता था, वहां पर पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की ज्यादा आती। तो आपके पास बना ये वाला, NO2, आगे इस रिएक्शन करवाइए इसकी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहां मैंने अभी बोला है प्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा और बेंजाइलिक पोर्शन पे हेलोजिनेशन हो जाएगा जिधर स्टेबल रेडिकल बन रहा है, और ये Br और ये कायरल सेंटर में ना, तो इसका मतलब ये रेसेमिक मिक्सर बनाए। फिर आगे इस कंपाउंड में क्या किया है, डाला हुआ है एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HBr बाहर करेगा, और HBr बाहर होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एजिट रह गया, NO2 यहां रह गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद आपने देखा आगे डाल रखा है Br2, तो Br2 का एडिशन हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच प्रोसीड बाय नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और यहां आपके पास बन जाएगा दिस NO2 एंड Br। इसके बाद इस कंपाउंड पे वापस से रिएक्शन करवाई है NaNH2 की, ठीक है, तो 2 times HBr बाहर होगा, 2 moles HBr बाहर होगा, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, ये एजिट है, ये NO2 है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसके बाद इसका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करवाया है HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 से, तो इधर OH जाएगा और इधर H जाएगा, इनोल बनेगा और इनोल से कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन पढ़े और ये बन गया आपके पास CO CH3, दैट्स आंसर। ऑप्शन क्या क्या दिया है, हमें सबसे पहले ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। चलो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन देखें, कंसीडर द फॉलोइंग रोड मैप इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रिएक्शन, कंपाउंड ए व्हेन ऑक्सीडाइज
ठीक है, अब क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। कंपाउंड ए व्हेन ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक केमनोफोर गिव टर्थेलिक एसिड, डेफिनेटली क्योंकि ए जो कंपाउंड आया था वो ये वाला आया था अपने पास, याद हो तो। इसका मैं केमनोफोर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सबको वेल नोन रिएक्शन है COH, और इसी को बोलते हैं टर्थेलिक एसिड। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कंपाउंड ए ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव वन टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब, जी हाँ बोल ही रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो यहां सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन सब सेम है, तो ये भी सही है, तो ये भी क्या है हमारा सही है। प्रोडक्ट सी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट सी ऑप्टिकली इनएक्टिव, जी हाँ प्रोडक्ट सी जो है ना वो अपने पास ये वाला बनाए, और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है मतलब मिक्सर की बात हो रही है, मिक्सर अपना कैसा है, रेसेमिक मिक्सर है, कैसा है रेसेमिक मिक्सर है, और रेसेमिक मिक्सर ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, तो ये बात सही है। इन प्रोडक्ट सी कंपाउंड, प्रोडक्ट सी में कंपाउंड कैन बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जी नहीं, हम रेसेमिक मिक्सर में पेरो पेनेंशियमर होता है और पेरो पेनेंशियमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज बोथ हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ई, तो ई स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताई थी कि ये वाला बना था अपने पास NO2, ई जो उस क्वेश्चन में जो था उसमें क्वेश्चन यही ये वाली स्ट्रक्चर बनी थी अपने पास, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, थर्ड हो गया, थर्ड की तरफ चलते हैं, ये भी एक पैराग्राफ है, एन ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहा है ये बोर्ड, कोशिश करते हैं कि सेट हो जाए। एन ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, एंड इज जस्ट डोंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता है, पी ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद मैं जो जाऊंगा वो मुझे लग रहा है कि जो पी कंपाउंड है वो ये वाला होना चाहिए, पी का ऑप्शन मुझे दिया हुआ है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ओके इसके अलावा ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा क्योंकि यहां मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्रोमीन वाटर को ये कंपाउंड डीकलराइज नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपन कि इससे क्या रिएक्शन आगे बढ़ रही है क्या, तो डेफिनेटली देख लेते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये वाला कंपाउंड है और ये भी आ रहा है, इसकी पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन द टर्शियरी ब्यूटोनॉल, मतलब आपने इससे रिएक्शन कराई TbUO- K+ TbUOH, इसके साथ आपने रिएक्शन करवाई है, इसके साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे तो HBr बाहर होगा, तो यहां तो H में निकाल नहीं सकता क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसमें आपके पास बन जाएगा यहां पे और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ओके तो ये आपका हो गया, क्यों फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, और ये आपका हो गया पी। ओके आगे देखो, द कंपाउंड क्यू ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफिक सॉल्यूशन ऑफ केमनोफोर, अगर मैं इसका केमनोफोर से रिएक्शन करवाऊं तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, टूटेगा डबल बॉन्ड और आपके पास बन जाएगा ये वाला, इधर भी COH, ओके फिर बोल रहा है ये आ गया आपके पास R, ओके विच डज नॉट अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑन हिटिंग विद P2O5, तो P2O5 के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन कब होता है, जब 1-2 पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, 1-2 पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां मुझे लग रहा है कि 1-2 पे नहीं है, आप देख भी पा रहे हो 1-2-3 पे है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। एस ऑन हिटिंग विथ ड्राइव सॉरी द कंपाउंड आर ऑन हिटिंग विथ NaOH-CaO, तो इसकी रिएक्शन कराई फिर NaOH-CaO, तो आपको पता है रिएक्शन का नाम क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, क्या नाम है,
सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, तो दोनों सीओएच हट जाएंगे और आपके पास साइक्लोपेंटेन बन जाएगा जो कि कंपाउंड है एस। एस को हीट किया ब्रोमीन से, ब्रोमीन वेपर और हीट किया तो यहां वापस से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन और ये मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट आ गया आपके पास एस, नहीं एस इसकी बात नहीं की है। सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर्स, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है तो पी अपना ये है, ठीक है, ये तो कायरल सेंटर नहीं है इसमें, ये नहीं होगा, और टी अपना ये है तो लास्ट वाला प्रोडक्ट जो बना टी, ये वाला टी है, ये भी सही है। डी अपना ये है, ये भी सही है, तो यहां पे बी सी डी मतलब इसका आंसर जाएगा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसी का, वही पैराग्राफ है उसका क्वेश्चन अगला जो दिया है उसको आप ध्यान से देखें क्या दिया है। कंपाउंड क्योंकि ये रिएक्शन करवानी है तो एस जो है, एस की एस जो कंपाउंड था वो अपने वाला ये वाला था, इसकी रिएक्शन कराई बी आर टू लाइट से तो टी बना था और ये बन गया बी आर। फिर एनओएच दिया हुआ है तो मुझे एल्कोहल बनाना है क्योंकि आगे वाली रिएक्शन मुझे पता है NaOH SN2 और यहां पे एल्कोहल। फिर ये फेमस रिएक्शन है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस माइनस एच टू बाहर होगा और यहां पे आपके पास बन जाएगा कीटोन। कीटोन की रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर से, मैग्नीशियम ईथर से और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड पिनेकोल रिडक्शन, इसका नाम है पिनेकोल रिडक्शन और यहां आपके पास बन जाएगा ये फाइव मेंबर रिंग। बायोमोलिकुलर रिडक्शन होता है OH OH, ऐसा ऑप्शन अपने पास फर्स्ट है तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फाइव अपने पास आया है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सीन एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। साइक्लोहेक्सीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ओजोन एंड सब्सिक्वेंटली विद H2O2 एंड वाटर, तो साइक्लोहेक्सीन हेक्सीन ये वाला ओजोन और रिएक्शन करवाइए H2O2 और H2O से, तो पता है कौन सा ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ये कौन सा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां से टूटेगा ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और दोनों ही तरफ पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, दिस इज कॉल्ड, नाम सबको पता ही होगा एडिपिक एसिड, इसका नाम क्या है एडिपिक एसिड, तो यहां तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। आगे वाली रिएक्शन देखते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का गलत हुआ भी होगा, अगर हुआ है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसी पैराग्राफ का, एथीन ऑन रिएक्शन विद MCPBA, तो एथीन ये हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH2 MCPBA MCPBA पर एसिड है, इपोक्साइड जनरेट करेगा और आपके पास ये वाला बन जाएगा इपोक्साइड का फॉर्मेशन, इसकी रिएक्शन करवाई है ग्रिग्नार रिएजेंट से CH3 MGI से, तो ये अटैक करेगा इधर से इधर और ये यहां से यहां, तो इधर तो बन जाएगा CH3 और इधर हो जाएगा O- MGI, इसकी रिएक्शन करवाई फिर हमने रिएक्शन कराया जल अपघटन करवाएंगे इसका तो ये बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ए एंड बी क्रमशः पूछा है तो आंसर हो जाएगा थर्ड, पहले ए पूछा है फिर बी पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए हाइड्रोकार्बन C10H12 हैज नो काइरल कार्बन, ए गिव्स ए वाइट पीपीटी विद टोलेंस रिएजेंट, इससे क्या पता चल रहा है, ये किसका टेस्ट है, ये टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, किसका है टर्मिनल एल्काइन का
ये टेस्ट है टर्मिनल एल्काइन का, ए ओन ट्रीटमेंट विथ एच टू पी टी यू। तो हमने यहां से यहां 8 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिए, मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड है और कंपाउंड जो ए है वो ये वाला है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। एच टू पी टी से करवाऊंगा, एच टू पी टी से करवाऊंगा तो एच टू का एडिशन हो जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और इसमें। तो इस कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है अपना, ये कंपाउंड है बी और ये कंपाउंड है जो अपना वो है ए। अब आप ये देखें, ए की रिएक्शन, ए ओजोनोलाइसिस इज वन प्रोडक्ट विच ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, इसका ओजोनोलाइसिस करवाऊं और आगे रिएक्शन सोडा लाइम से करवा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है डेफिनेटली, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा रहा है, ओजोन एच टू ओ यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये वाला सी ओ एच और ये सी ओ एच, ठीक है। डी ऑन मोनोक्लोरिनेशन, अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है, सॉरी यहां बेंजीन नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा अपना, तो ये बेंजीन नहीं आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, बेंजीन नहीं आएगा और बेंजीन नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा, बेंजीन नहीं आएगा। उसके बाद यहां सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाया है, एन ए ओ एच सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, एन ए ओ एच सी ए ओ, आपको पता है CO2 बाहर होता है और यहां पे ये बन जाता है, इसका करवाया Cl2 लाइट से, तो मोनोक्लोरिनेशन से आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है। बोल रहा कंपाउंड ए में प्रेजेंट है, तो कंपाउंड ए हेज तो वो 6 कार्बन रिंग रखता है, मतलब सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, और कौन सा क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, और ये वाला कंपाउंड जो बना है इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो बोला है कि जो कंपाउंड बना है वो कौन सा एसिड है, तो वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके हो गया, ये थे पैराग्राफ की 8 क्वेश्चन, नाउ हम बात करेंगे एमसीक्यू की। ओके चलो देखते हैं, ये लो भैया एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी गिव एन एल्काइन, तो पोटेशियम फ्यूमेरेट, दैट्स अ गुड, पोटेशियम फ्यूमेरेट ये वाला होगा सी डबल बॉन्ड सी सी ओ माइनस एन ए प्लस और इधर भी सी ओ माइनस एन ए प्लस, ये सोडियम फ्यूमेरेट है, इसका करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, तो यहां से टूटेगा, यहां रेडिकल आएगा, यहां रेडिकल आएगा, दोनों रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे, यहां एच एच लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां फाइनली आपके पास एल्काइन बनेगा, तो ये वाली रिएक्शन तो सही है। सी एच थ्री सी बी आर टू सी एच बी आर टू जिंक डस्ट, 2 टाइम्स 2 बी आर टू बाहर होंगे, डी हेलोजिनेशन सी एच थ्री सी बी आर बी आर, ये सी बी आर और ये एच, तो यहां से भी बी आर टू बार, यहां से भी बी आर टू बार, बन जाएगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो इसमें भी एल्काइन बन रही है, यहां एल्कोलिक के ओच एन एच, तो 2 टाइम एच बी आर बार होगा, तो यहां भी 2 टाइम एच बी आर बार होगा, तो यही बनेगा सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर यहां एन ए एन एच टू और हीट जिंक डस्ट में बना एन ए एन एच टू और हीट, तो यहां भी 2 टाइम्स एन ए एन एच टू एच बी आर बाहर होगा, एच बी आर 2 टाइम्स बाहर होगा और यहां भी एल्काइन ही बनेगी, तो चारों रिएक्शन जो है वो सभी रिएक्शन एल्काइन का फॉर्मेशन कर रही है, जैसा आप देख सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो आंसर जो यहां आएगा 1 2 3 4 चारों में ही एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
द आइडोल एक्टोनाइजेशन विद आई टू गिव द कंपाउंड दिस द डिफरेंट इंटरमीडिएट आर, कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं? तो यहां पे जब रिएक्शन हुई है तो आई टू के साथ, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला साइक्लिक हेलोनियम आयन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे है ये बनेगा। उसके बाद ये OH जो है वो रिंग ओपनिंग करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से, तो फिर ये बनेगा थर्ड, और उसके बाद फाइनली यहां से H प्लस बाहर हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। ये तो एकदम फिक्स रिएक्शन है, हेलोजन के प्रेजेंस में पहले हेलोनियम आयन बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर COH का OH यहां अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से रिंग ओपनिंग करेगा, तो फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा। आगे बात समझ में? और जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनेगा यहां पे आई लगा हुआ है और फिर फाइनली ये बन जाएगा, तो इस बेस पे इसका आंसर जो आएगा वो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके ठीक है। नेक्स्ट फॉर द गिवन रिएक्शन दी गई विक्रिया में आर होगा, तो देखो यहां ये गया इलेक्ट्रोफाइल बन गया कार्बोकेटाइन रिंग पे क्या कर जाएगा अटैक ये बन जाएगा, इसमें भी H प्लस ने यहां अटैक किया ये बाहर हुआ ये अटैक कर जाएगा इस पे, तो ये भी बन जाएगा, इसमें भी ये इधर से इधर गया H प्लस गया यहां कार्बोकेटाइन बन गया ये भी अटैक कर जाएगा, इसमें क्या होगा? इसमें ये यहां से यहां गया तो ये यहां से अटैक करेगा रिंग पे, तो इससे नहीं बन पाएगा, तो फोर्थ नहीं आएगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट, तो देखो अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक, दूसरा रिंग पे NH नाइट्रोजन का लोन पेयर कंटेनिंग है ये वाला, और एक में बात करता हूं ये वाले जो कंपाउंड है ना, ये वाले कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल के साथ नहीं देते हैं, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो C प्लस है ना फ्रीडल क्राफ्ट का यही इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो रिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए जिससे ये अटैक कर पाए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये वीक ही न्यूक्लियोफाइल बन गया और यहां ये वीक ही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, कम से कम एक तो स्ट्रांग हो यार, तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। ये वाला इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये एसिड बेस इंटरेक्शन हो जाएगा, भाई फ्रीडल क्राफ्ट में हम AlCl3 यूज में लेते हैं तो AlCl3 के साथ ये रिएक्शन कर लेगा, लेविस एसिड है N और यहां AlCl3 इस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब ये रिंग को क्या नहीं कर पाएगा, एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं इसलिए नहीं देगा, तो फर्स्ट कंपाउंड नहीं देगा, सेकंड भी नहीं देगा, एसिड भी नहीं देगा क्योंकि इसका भी क्या लग रहा है ना, हाँ पिरिडीन, ये पिरिडीन है, पिरिडीन हुई एक क्लोरोबेंजीन हुई, ठीक है ये वाले गिव FCR ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे देते हैं, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल गिव आइसोपेंटेन ऑन डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहां से CO2 बाहर जाएगा, इससे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, H यहां जाएगा, यहां से CO2 बाहर जाएगा, H यहां जाएगा, तो ये भी आइसोपेंटेन है जो बनेगा, ये भी आइसोपेंटेन है और यहां से ये COH गया CO2, तो ये भी आइसोपेंटेन है, यहां ये CO2 गया तो यहां बनेगा आपके पास आइसोब्यूटेन, क्या बनेगा आइसोब्यूटेन, तो फोर्थ नहीं होगा, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा सेकंड हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट इज आर करेक्टली मेज्ड विद प्रोडक्ट, NBS क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोर्शन पे वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म BR सप्लाई करता है,
तो ये वाला यहां पे क्या है, ये वाली कौन सी पोजीशन है, बेंजाइलिक, तो यहां से एच जाएगा और इसकी जगह बी आर आ जाएगा जो दिया हुआ है, तो ये तो सही रिएक्शन एकदम। H2O Hg+ एसिड कैटलिस्ट एडिशन, तो इधर OH आएगा, तो इसमें ये प्रोडक्ट गलत है, यहां प्रोडक्ट ये बनना चाहिए CO CH3, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा यहां पे, तो ये गलत रिएक्शन हो गई। ये क्या करता है, डाई हाइड्रोक्सीलेशन, हाइड्रोक्सीलेशन दो OH का सीन एडिशन करता है, तो यहां OH और यहां OH एंटी एडिशन दिखाया हुआ है, तो ये गलत हो गया। यहां HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन होगा, NO2 BR, ये कौन सा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थोपेरा, ये भी कौन सा होता है, ऑर्थोपेरा, तो इसका पेरा इसका ऑर्थो, यहां NO2 चला जाएगा, यहां से NO2 प्लस आएगा, तो ये सही है, तो आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने बहुत एनसीईआरटी के एनसीईआरटी फटफट के क्वेश्चन बनाए सारे भैया। नेक्स्ट देखो, अभी आपको आगे अंदाजा भी हो जाएगा कि एनसीईआरटी फटके कैसे बनाए। कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस एंड पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला रिएक्शन हुआ ठीक है, एसिड बेस हुआ पहले, तो सबसे पहले ये बना सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, इसकी रिएक्शन हमने करवाई सी एच थ्री बी आर से, तो ये अटैक कर गया बी आर को, क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ये बन जाएगा ठीक है, एक कार्बन उधर, एक कार्बन हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड के से पहले, और इधर ये बन गया, ये SN2 पाथ से जाती रिएक्शन। इसके बाद इसका H2PDBSO4 लिंडलार कैटलिस्ट है, ये आपको दिया हुआ है लिंडलार कैटलिस्ट, इसका मैंने आगे एक क्वेश्चन डाला है बहुत ही बेहतरीन, तो क्या बनेगा, सीस बनेगा, तो यहां पे आपके पास बन जाएगा सीस, ठीक है, एक तरफ दो कार्बन एक तरफ एक कार्बन, तो ये सिस, इसकी रिएक्शन कराई एल्कलाइन केमनो फोर से, केमनो फोर से, तो ये बेयर एजेंट है, बेयर ऑप्शन को देख के चेक हो रहा है हमें कि बेयर एजेंट दिया हुआ है, तो इसका ये सिन है, यहां भी कैसा एडिशन होता है, सिन दो ओएच का सिन पे सिन एडिशन होगा, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल नहीं है, तो इरिथ्रो एरिथ्रो पेरो पेनेंसोबार, मतलब मैं बना दूं ये वाला ई टी सी एच थ्री ओ एच ओ एच एच, और इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। ऑप्शन देख करते हैं, जेड इज डाइओल, जी हाँ डाइओल है, सही बात है, जेड इज ए मीजो कंपाउंड एंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो नहीं है, इरिथ्रो है, ये तो प्लेन नहीं लगेगी, गलत हो गया। जेड इज ए रेसेमिक कंपाउंड, जी हाँ रेसेमिक है, इसकी मिरर इमेज बनेगी, सही बात है। वाई इज ट्रांस, गलत बात है, तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला दिया हुआ है, ये ब्रिज रिडक्शन है, कौन सा ब्रिज रिडक्शन, रिएजेंट का ध्यान रखिए भैया, एंटी एडिशन होगा, तो यहां कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन, दो डी का, डी यहां से आती है पता होगा, तो यहां बनेगा आपके पास सी एच थ्री सी डी डबल बॉन्ड डी और ये सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन कराई एच टू और निकिल से, तो ये एंटी है, और यहां कौन सा एडिशन होगा, सिन, सिन पे एंटी होता हो, एंटी पे सिन होता हो, थ्री ओ पेरोपेनेंसियोमर बनता है, तो थ्री ओ पेरोपेनेंसियोमर, तो मैं थ्री ओ बना देता हूं, सी एच थ्री सी एच थ्री डी डी एच एच, ये आपके पास बन गया थ्री ओ पेरोप एनेंचुमर, मतलब इसकी मिरर इमेज भी बनेगी एच डी और ये सॉरी इधर डी, बड़े लफड़े हैं यार इसको चलाने में, इधर एच ये बनेगा ठीक है ओके। Cl2H में, तो ये कंपाउंड एक्चुअली में है क्या, ये कंपाउंड यही तो है सी एच थ्री सी एच डी
और ये CH3। अब बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन कराई Cl2H2 से, तो इसके पास कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं? दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रही और एक हाइड्रोजन ये रही, या फिर हम डी को हटा सकते हैं, बट डी से पहले एच हटेगा ना, ये वाली भी वन टाइप ही है, ये भी टू टाइप ही है, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पे कितने प्रोडक्ट देगा? टू प्रोडक्ट देगा। ऑक्सीजन सिंगल स्टीरियोमर्स व्हिच हैव जेड कॉन्फिगरेशन, ये तो गलत हो गया, ऑक्स है तो सिंगल ही, बट एंटी देखो जेड है या एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तो ये तो ई है, तो पच तो गलत हो गया। Y is a mixture of two enantiomer obtained by syn addition of hydrogen atom, ये दो racemic mixture हो गया आपके पास, enantiomer हो गया, 3O pair of enantiomer, तो ये तो सही है। Z is a mixture of four structural isomers, ना, मतलब ही नहीं है, hydrogen इसके पास दो type की है, तो four तो नहीं आएगा, गलत है। ऑल मोनोक्लोरो आइसोमर और काइरल, जी हाँ, आप यहां लगाओगे भाई, एक तो बनेगा ये वाला CH2ClCH और ये DCHD और ये CH3, तो ये वाला काइरल सेंटर बन गया, काइरल है ये, और एक बनेगा CH3CClD और ये C, ये D और H और ये CH3, तो ये भी काइरल सेंटर, तो जितने बने ऑल मोनोक्लोरो आइसोमर और काइरल, तो ये जितने बनेंगे वो सबके सब क्या रहेंगे? काइरल रहेंगे, फोर्थ, तो आंसर आएगा इसका टू एंड फोर्थ, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल और जेई बेस्ड क्वेश्चन है सारे, कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड सेकंड जो दिए हुए हैं। फर्स्ट गिव रिजोल्युबल प्रोडक्ट विद Br2CCl4, तो पहला जो कंपाउंड दिया हुआ है उसको आप देखो, ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, इस पे Br2 और CCl4 का जब एडिशन होगा तो यहां ये बनेगा ना Br और ये काइरल सेंटर, तो इसकी मिरर इमेज, तो ऑप्टिकल क्या बन रहा है? ये एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? रिजोल्युबल होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? रिजोल्युबल, तो ये तो सही है। सेकंड गिव नॉन रिजोल्युबल प्रोडक्ट विद Br2, तो देखो सेकंड में क्या है, एंटी है क्या, ये एंटी है क्या, एंटी, और एंटी पे Br2 का एडिशन होगा कैसा, एंटी, तो ये CH3, ये CH3, Br, HH, और ये मीजो, और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसको रिजोल्युबल नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, नॉन रिजोल्युबल सही बात है। फर्स्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद HBr इन प्रेजेंस और एब्सेंस, जी हाँ, फर्स्ट जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अगर आप HBr से कराओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और ये वाला बन जाएगा, और अगर आपने HBr प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा, तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये भी सही है। सेकंड गिव सेम प्रोडक्ट, जी हाँ, सेकंड तो सेम ही देगा, डबल बॉन्ड्स है तो चाहे इधर भी आर जोड़ दो चाहे इधर भी आर जोड़ दो, तो ये तो मार्कोनिकोप एंटी मार्कोनिकोप इसमें होगा ही नहीं, इसमें तो देगा एंटी मार्कोनिकोप, इसमें तो देगा AMKR और इसमें देगा MKR और इसमें ऐसा नहीं होगा, तो ये डिफरेंट देगा, ये भी सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखें, इन द गिवन रिएक्शन ए बी सी जो भी है, तो देखो इधर समझो क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, पहले दिया हुआ है यहां पे CH3 लगाया हुआ है और इधर जोड़ा हुआ है CH2 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 CO और ये Cl, AlCl3, इस Cl को हटाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां टेक कर जाएगा, तो यहां क्या बनेगा CH3 और ये डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट आपका बना A। उसके बाद जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl, दिस इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो CO ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में, तो बन जाएगा ये वाला CH3 और ये वाला। फिर दिया हुआ है सेलेनियम और हीट, तो सेलेनियम और हीट क्या करता है, सिस्टम को एरोमेटिक बनाता है, साइक्लिक सिस्टम को सेलेनियम हीट दे दे या PDC हीट दे दे, सुनना ध्यान से,
साइक्लिक सिस्टम में सेलेनियम और हीट दे दे या पीडीसी हीट दे दे, तो डीहाइड्रोजिनेशन से सिस्टम को एरोमेटिक बनाते हैं। तो यहां से ये एरोमेटिक बन जाएगी साइड वाली रिंग भी और ये वाला कंपाउंड अपने पास आ जाएगा। अब देखो ए क्या अपना यही है क्या, तो ए तो सही है क्या, बी ए वाला ही है क्या, बी ए तो बी तो है ये, तो ये भी सही है क्या, सी ये वाला है क्या, ये भी सही है क्या, ए ये वाला है क्या, जी ना ए ये नहीं है। पोर्शन देखो आप इसके रेस्पेक्ट में 1, 2, 3 पे होना चाहिए, इधर नहीं है, ये नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है, तो ये नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन लिया हुआ है, ढंग से देखिए इसको। टू स्टेटमेंट फॉर लिंडलार कैटलिस्ट, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन, जी हां H2 कैलकुलेटेड अमाउंट में होता है। द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज चारकोल, जी हां पैलेडियम होता है, चारकोल होता है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड, चारकोल जो होता है वो पार्शियली डीएक्टिवेटेड होता है विद पॉइजनस सल्फर क्विनोलिन, इनसे पॉइजनस हम उसको करते हैं, पार्शियली डीएक्टिवेटेड करते हैं जिससे एल्किन का रिडक्शन एल्केन में ना हो। कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट, ये सही है, इसमें मैंने एक्टिवेटेड लिख दिया तो ये स्टेटमेंट गलत है, एनसीईआरटी की लाइन मैंने उठाई ऊपर वाली। फिर यहां बोला इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन ऑन पार्शियल रिडक्शन प्रोड्यूस सी एल्किन, जी हां लिंडलार कैटलिस्ट पे सी एल्किन देती है, ब्रिज रिडक्शन पे ट्रांस देती है, तो ये भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या है, कंपाउंड दिया हुआ है तो यहां से देखें, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, CH3COH NaOH, तो पहले बनेगा CH3CO- Na+, ये A बन गया। फिर यहां से सोडा लाइम डाला, सोडा लाइम तो CO2 बाहर हो गया इन फॉर्म ऑफ Na2CO3, बन गया क्या CH4। फिर इसकी ये कंपाउंड आ गया आपका बी की रिएक्शन कराई Cl2H, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, CH3Cl बन गया, ये आपका C बन गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई Na ड्राई ईथर से, हुड्स रिएक्शन हो गई, कौन सी हुड्स रिएक्शन हो गई, और ये बन गया CH3CH3 और आपके पास बन गया D। फिर वापस रिएक्शन करवाई Cl2 से, तो यहां फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ही होना है और ये बनेगा CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH से, तो ये बन गया आपके पास, ये वाला आपका हो गया E, और एल्कोहलिक KOH से करवाई तो क्या बना CH2 डबल बोन CH2। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई Br2 से, तो Br2 से करवाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट बना अपने पास, ये वाला बन गया आपका पास F, Br2 से एडिशन हो जाएगा CH2Br और ये CH2Br, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन गया जी। इसकी मैं एक साथ लिख देता हूं एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, दो बार HBr बाहर हुआ और यहां आ गए हम I की तरफ और बन गया HC CH एल्काइन, ये आपका हो गया I। इसके बाद पासिंग रेड हॉट आयरन ट्यूब Fe ट्यूब, ये तो फेमस रिएक्शन है, समझ में आ गया होगा, बेंजीन बन गया, ये आ गया J, H2S2O7, ये रिएक्शन हो गई सल्फोनेशन, कौन सी सल्फोनेशन, और क्या जुड़ गया SO3H जुड़ गया। इसका H2O की प्रेजेंस में क्या किया मैंने, हीट, दिस इज डी सल्फोनेशन, वापस से SO3H बाहर हो जाएगा और वापस से क्या बन जाएगा बेंजीन, और ये आ गया आपके पास L। पूरा पैराग्राफ मैंने सोलो कर दिया है, जेड एंड एल बेंजीन है, जी हाँ जेड जे एंड एल बेंजीन है, सही बात है। ए इज एथेन, नहीं ए एथेन नहीं है, ए मेथेन है, गलत है। बी इज एथेन, ये भी गलत है। ये इज आई इज एल्काइन, ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंपाउंड की रिएक्शन Hg+ डाइल्यूट H2SO4 से करवाई
तो बनेगा क्या, CH3O, ये C ट्रिपल बॉन्ड, इधर होगा OH का टिक, क्योंकि इधर से इसका क्या लग रहा है, प्लस R, तो उधर कीटोन कीटो ग्रुप जनरेट होगा, C डबल बॉन्ड O स्टार CH2 और ये NO2, ये आपका प्रोडक्ट है A। इसका रिएक्शन करवाया मैंने जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, तो ये दो का रिडक्शन करेगा, एक तो इस CO ग्रुप को CH2 में रिड्यूस करेगा, एक इस NO2 ग्रुप को NH2 में रिड्यूस करेगा। आप पढ़ते हो नाइट्रोबेंजीन की जिंक HCl, FeHCl, SnHCl से करवाते हैं तो NO2 ग्रुप NH2 में रिड्यूस हो जाता है, तो A तो आपका ये आ गया, और फिर ये CO तो जाएगा CH2 में और NO2 जाएगा NH2 में, स्टार उधर रह जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन यहां पे है ये वाला, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो देखो आपने यहां AlCl3Cl हटाएगा, बट इसका माइनस आर लग रहा है, और मैंने अभी पीछे बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो तो फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। यहां भी NH2 AlCl3, तो यहां भी एनिलीन फ्रेडलक्राफ्ट नहीं देती, ये भी गलत है। यहां NO2 नाइट्रोबेंजीन भी फ्रेडलक्राफ्ट नहीं देती, ये भी गलत है। हाँ, ये वाला ये Cl इसको हटाएगा, इस CH2 का प्लस H लग रहा है, ये अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा, तो इसमें रिएक्शन सही केवल फोर्थ है, गलत कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपसे कौन सा पूछा है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फुली एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एल्काइन का पॉलीमराइजेशन नाम से एक हेडिंग डाली हुई है, जहां से रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली रिएक्शन भी वहीं भी है, वहां से मैंने ये स्टेटमेंट उठाए हैं। देखें, पॉलीएसिटाइलीन एसिटाइलीन फॉर्म लीनियर पॉलीमराइजेशन व्हिच इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गलत हो गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गलत स्टेटमेंट है। एसिटाइलीन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, डेफिनेटली, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आपको पता है क्या बनाता है, अपनी सबकी प्यारी बेंजीन। फिर थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलीन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरीज, ये जेईई मेन में पूछा हुआ है ऑलरेडी, ये भी सही स्टेटमेंट है, एकदम सही स्टेटमेंट है, और ये भी सही स्टेटमेंट है, तू क्यों आ रहा है बार बार। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलीन आर गुड कंडक्टर, जी हाँ, गुड कंडक्टर होते हैं, लाइटर होते हैं, चीपर होते हैं कंपेयर्ड टू मेटल, इसलिए इनको यूज में लेते हैं। तो ये तीनों लाइन आप ऐसे पॉलीमराइजेशन पढ़ोगे, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग बी एज कंपेयर टू रिंग ए। तो देखो यहां पे इस रिंग में इसका क्या लग रहा है, माइनस आर, इसमें क्या लग रहा है, प्लस आर, तो यहां बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ए से, यहां इसका भी प्लस आर लग रहा है, इसका भी प्लस आर लग रहा है, मोर प्लस आर किसका लगता है, मोर प्लस आर नाइट्रोजन का लगेगा, तो यहां ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी से ज्यादा है, इसमें दोनों पे इस C2H5 का इसमें क्या लग रहा है, प्लस एच, तो यहां बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए से ज्यादा है, इसमें बात करें तो यहां इस CH2 का, इस NO2 का क्या लग रहा है, इस रिंग में माइनस आर, इसका इसमें क्या लग रहा है, प्लस एच, यहां भी बी की ज्यादा है ए से, तो कहां कहां है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा फास्ट मुझे चलना पड़ रहा है, बेसिक चीजें मुझे बतानी है। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड टुवर्ड्स फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन, मतलब मुझे सी एच बॉन्ड को सी रेडिकल और एच एक्स में टूटता है, ये Cl2 से करवाएंगे तो ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो इसमें ये गया H, तो यहां रेडिकल आया H, यहां रेडिकल आया H, यहां रेडिकल आया, तो ये तो स्टेबल बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबल है, ये स्टेबल बाय 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ऑर्डर तो सही है। सेकंड की बात करें तो यहां जो रेडिकल बनेगा वो बेंजा रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है और 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब रेजो प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे ये रेडिकल आया
तो इसके पास दो एल्फा हाइड्रोजन है, यहां रेडिकल आया तो यहां भी दो एल्फा हाइड्रोजन है, बट वन टू दो नंबर से माइनस आई लग रहा है और यहां एक नंबर से रिंग का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। तो पहले ये आएगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये है, एरो आप चेक कर ले, एरो मैंने घुमा के लगाए हुए, ये सबसे कम है तो ये भी सही है। यहां पे बात करें तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फाइव एल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होगा ये रेडिकल, और यहां ये वाला केवल दो एल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इसमें जो रेडिकल बनेगा वो दोनों तरफ रिंग से स्टेबलाइज होगा, इसमें केवल एक तरफ स्टेबलाइज होगा, तो ये ज्यादा हो गया, तो ये भी सही है। तो आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर? चलो ये थे एमसीक्यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटीजर क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। चलो आते हैं इंटीजर पे। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोकोलेशन ऑफ इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो इधर यहां बोला है कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो गिनना ही नहीं है यार। तो एक तो यहां से आएगा, एक हाइड्रोजन यहां है, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वन टू थ्री भाई ये और ये सेम हो गई, फोर और एक यहां से आएगा, सिक्स। कोई स्टीरियो नहीं गिन भाई यार, इजी क्वेश्चन है तो बहुत है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन मोनोकोलोरेशन ऑफ थ्री मिथाइल पेंटेन, थ्री मिथाइल पेंटेन, देखें CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइसोमर विच एग्जिस्ट एज एनाइंशोमर। तो एनाइंशोमर कहां कहां बनेगा पहले वो देखना जरूरत है। तो इसमें कितना बनेगा, CL, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, ये एनाइंशोमर बनेगा। कायरल सेंटर जनरेट हो गया जब मैंने इस पे किया, पास वाले पे करता हूं, इस पे लेके आता हूं CH3, CHCl, CHCH3, CH2, CH3, तब भी ये कायरल सेंटर, ये वाला भी जनरेट हो गया और ये वाला भी कायरल सेंटर जनरेट हो गया। वापस देख लें, आपको बोला है थ्री मिथाइल पेंटेन मैंने लिया है, तो यहां दो कायरल सेंटर जनरेट हो गए, तो यहां आर आर, एस एस, आर एस और एस आर, यहां आर और एस। फिर मैं यहां बीच वाले पे लेके आऊं तो कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, यहां लेके आऊं तो भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, तो मैं उनकी बात ही क्यों करूं, वो कायरल सेंटर जनरेट होंगे ही नहीं। तो यहां बोला आइसोमर विच एग्जिस्ट एज एनाइंशोमर, तो अक्स की वैल्यू एनाइंशोमर एक ही हो गया, पेयर ऑफ एनाइंशोमर एग्जिस्ट इन द मोनोकोलोरेशन ऑफ थ्री मिथाइल पेंटेन, लेट अक्स बी द नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइसोमर विच एग्जिस्ट एनाइंशोमर। तो कितना हो गया, तीन हो गया क्या, एक एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तीन। वाई बी द नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइसोमर विच एग्जिस्ट इज ए डायस्ट्रोमर। तो यहां बात करते हैं अपन, डायस्ट्रोमर कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कोई करेगा या नहीं करेगा, वो चीज हम यहां देखते हैं। तो डायस्ट्रोमर में यहां जब मैं बात कर रहा हूं इस पे, तो यहां पे कितने डायस्ट्रोमर बन रहे हैं, कोई हमारे पास बने आर आर, एस एस, आर एस, एस आर, ये और ये डायस्ट्रोमर हो गया, ये और ये भी क्या हो गया, डायस्ट्रोमर हो गया, एस आर एस ये भी डायस्ट्रोमर हो गया और ये भी डायस्ट्रोमर हो गया। तो एक पेयर तो यहां से देखो, एक पेयर, एक चार पेयर आ गए आपके पास, चार पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर है, ठीक है। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है जेड बी द नंबर ऑफ आइसोमर विच आर एकायरल, तो एकायरल आइसोमर एक तो यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, दो, ठीक है। तो अक्स प्लस वाई जेड की गणना कीजिए, तो अक्स थ्री फोर और टू नाइन इज करेक्ट आंसर। बोलो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10, ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा है भैया, और बोल रहा है द कंपाउंड गिव पीपीटी व्हेन ट्रीटेड विद AgNH3 2OH।
इसका मतलब टोलेंस रीजन के साथ पीपीटी दे रहा है, हाइड्रोकार्बन है तो एल्काइन है, एल्काइन भी कौन सी है टर्मिनल, और टर्मिनल एल्काइन पे 6 कार्बन पे पहला कायरल सेंटर आता है तो ये वाला बनेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और ये सी, ये आपका कंपाउंड है ए। इसकी रिएक्शन करवाई फिर हमने, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा अगर एच टू पी टी से करवा दू तो, ए यील्ड विच ऑन ऑप्टिकली इनएक्टिव कैटलाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब पी टी मान लो एच टू मान लो इससे करवाया तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। और ये तो कायरल सेंटर खत्म हो गया, यहां कायरल सेंटर था ये नहीं है तो ये ऑप्टिकल क्या हो गया इनएक्टिव हो गया। इसका बोल रहा है इसका ओजोनोलाइसिस करवाया हमने H2O2 से रिडक्टिव, तो यहां से टूट गया क्या बना COH और ये C। इसकी रिएक्शन कराई LAS से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, रिडक्शन हो गया CH2OH में चला गया C और ये CH2OH और ये कार्बन। फिर यहां पे इसकी रिएक्शन कराई H प्लस हीट तो भैया E1 होगा H2O बाहर होगा, पहले कार्बोकेटाइन बना होगा H प्लस ने अटैक किया होगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा, फिर फाइनली आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बना होगा, इसके रेस्पेक्ट में वो अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं जिससे स्टेबल एल्किन बनती हो और यहां पे आपके पास बन गया होगा दिस। और इस डबल बॉन्ड के पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा 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 9 इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन आपसे पूछी हुई है तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करो तो मतलब कितना आएगा आंसर 9। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा आपको लगेगा कि लंबा क्वेश्चन है बट पकड़ लोगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 ओके 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 ओके, फाइंड आउट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। तो देखो ए नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर 3, तो इसमें तीन टाइप के हाइड्रोजन है 1-2 ठीक है, और ये 1 और ये 2, ये भी 2 है और ये भी 1 है तो 2 टाइप के, बट यहां कायरल सेंटर जनरेट होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट 2 है तो 2 ही है, यहां जब कायरल सेंटर बनेगा तो वो और उसकी मिरर इमेज दोनों ऑप्टिकली एक्टिव रहेगी। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव भाई टोटल कितने आएंगे ये बताओ, टोटल इसमें प्रोडक्ट कितने आएंगे 3, 3 में से 2 क्या हो गए ऑप्टिकल एक्टिव और 1 क्या हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहां कायरल सेंटर जनरेट हो गया यहां नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज 1 जी सही है। नंबर ऑफ डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर 10 दैट्स गुड, 10 डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या, तो इसमें कोई ना कुछ नहीं है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो आप मैं पॉसिबिलिटी चेक करता हूं कि पहला जो बनेगा वो ये बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है, तीसरा यहां 1-2 पे लगा सकते हैं, चौथा 1-3 पे लगा सकते हैं, फिर आगे एक पॉसिबिलिटी है कि मैं दोनों सीएल 1-2 पे लगा दूं, फिर आगे पॉसिबिलिटी है 1-1 पे लगा दिया 1-2 पे लगा दिया, ये 1-3 यहां लगा सकता हूं, ये वाला नहीं बनाया मैंने ठीक है, बीच वाले पे दोनों सीएल लगा दिए। चलो अब देखो यहां कोई कार्य सेंटर जनरेट नहीं हुआ तो इसका एक आ गया, एक इसका आ गया, यहां ये कार्य सेंटर जनरेट हो गया इसका 2 आ गया, यहां ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया इसके भी 2 आ गए, यहां 2 कायरल सेंटर जनरेट हो गया आपके पास ठीक है, तो इसके 3 आ जाएंगे आर आर एस एस आर एस, यहां कोई कायरल सेंटर जनरेट होगा एक ही आ जाएगा, 3 × 4 = 6 और 4 = 10 सही बात है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर 6 ऑप्टिकली एक्टिव, तो देखो यहां पे ये 2 ये 2 और यहां पे 2 ये वाले तो ये भी सही है। हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अच्छा हो गया ना, 2 ये वाले 2 ये वाले, इसमें एक में प्लेन लगेगी, इसमें इसमें नहीं लगेगी, 2 में 2 अच्छा हो गए। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ये बात 6 हो गया, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर 4, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव डाइक्लोरोडेर प्रोडक्ट आर 4, तो जो बच गए टोटल 10 थे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल कितने बने थे 10 बने थे, 10 में से हम बोल रहे हैं कि 6 क्या है
ऑप्टिकली एक्टिव, तो चार क्या हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। दो तीन चार पांच छह, नंबर ऑफ मीजो डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर टू, नहीं मीजो दो नहीं आए, गलत बात है, मीजो तो अपने पास एक ही आया है, एक ही मीजो आया है, गलत बात है। नंबर ऑफ डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर सिक्स, डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट गलत है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आर सेवन, गलत है, ये वाला सही है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट सही है, 07। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। पीसीएल 5 से रिएक्शन करवाई तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा देखो, यहां बनेगा पी एच सी और सी एच थ्री और ये सी एल सी एल, ए एन ए एन एस टू से रिएक्शन करवाई तो यहां पे दो मोल एन ए एन एस टू के कंज्यूम्ड हुए, तीन मोल कंज्यूम्ड होंगे, टू टाइम तो एस सी एल बाहर होगा, तो पहले बन जाएगा पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर एक एसिड बेस और होगी, ये एच गया और बन गया पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस, फिर इसकी रिएक्शन करवाई हमने सी एच थ्री आई से, ये बाहर हो गया और आपके पास बन गया ये वाला, ठीक है। तो इसमें कितने मोल, एक के कितने मोल कंज्यूम्ड हुए, तो इसमें आ गए तीन मोल, ध्यान रखना तीन मोल। दूसरे वाले में भी ये बनाया है तो एक बार HCl यहां से बाहर हुआ, एक बार HCl यहां से बाहर हुआ, ये बन गया, इसमें आ गए दो मोल, फिर ये वाला तो इसमें वही तीन मोल आएंगे, क्योंकि पहले दो बार HCl बाहर होगा, टू टाइम HCl बाहर होगा, तो दो NaNH2 काम आएंगे और बनेगा पी एच सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसके बाद एसिड बेस हो जाएगा एक NaNH2, ये एच गया, इसने यहां अटैक किया होगा आई को, तो तीन 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 दो तीन, मतलब आंसर कितना आएगा 8, सिंपल। नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉसिबल एल्किन व्हेन 3 ब्रोमो 3 साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन रिएक्ट विद एल्कोहली KOH, कि कितने पॉसिबल एल्किन बनेगी जब ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, तो पहले कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन, हेक्सेन ये हेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्साइल लगा दिया और तीन नंबर पे क्या लगा दिया ब्रोमो लगा दिया। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, HBr बाहर करता है, सबको पता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तीन टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, मैं बीटा वन बोल देता हूं, बीटा टू और बीटा थ्री। तो देखो जब बीटा वन हटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली बनेगी, और जब बीटा टू हटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली बनेगी, और जब बीटा थ्री हटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली बनेगी। ठीक है, अब ये वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगी, बोलो, तो इसके ई और जेड दो बनेंगे, ये भी दिखाएगा, इसका भी ई और जेड दो बनेंगे, इसका एक ही रहेगा, तो दो दो एक, आंसर कितना आने वाला आपके पास बताओ, कितना आंसर आने वाला है, टोटल 5, ओके 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये इजी क्वेश्चन है, ये वाला कौन सा है, ब्रिज रिडक्शन, तो पहले यहां से यहां ब्रिज रिडक्शन कराऊंगा, तो पहले ये बनेगा, फिर कोल्ड बेयर रिएजेंट दिया हुआ आपको, बेयर रिएजेंट, तो OH इधर भी OH और इधर भी OH, एक्सेस में दिया हुआ है, कितने हो गए 4 OH हो गए, 7 इजी। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट कैन बी रिजोल्ड, तो ये कौन सी एल्किन है भैया, सिन, और यहां एडिशन कैसा होता है, एंटी, सिन पे एंटी क्या बनेगा 3O, पेयर ऑफ
एनाइनशियोमर, ये बनेगा तो ये बन जाएगा ई टी ई टी बी आर बी आर एच एच एंड देयर मिरर इमेज बी आर एच एच बी आर. हाउ मेनी प्रोडक्ट कैन बी रिजोल्व्ड? पेयर ऑफ एनाइनशियोमर को सेपरेट करने का मेथड ही तो रिजोल्यूशन है. तो यहां दो आपके पास पेयर ऑफ एनाइनशियोमर एक है दो है, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो हमें रिजोल्व्ड प्रोडक्ट कितने मिल सकते हैं? यहां पे दो सॉल्व, दोनों मिल जाएंगे, दोनों को रिजोल्व कर लेंगे. ठीक है, पेयर ऑफ एनाइनशियोमर को सेपरेट करने की टेक्निक का नाम रिजोल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग कैटलाइज्ड आइसोमेरिज्म रिएक्शन. और पूछा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने हैं, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? देखो इधर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहां क्या लगा हुआ है सी एच थ्री, एच प्लस ने अटैक किया होगा, ये यहां से यहां ये बना होगा और ये बना होगा, इधर सी एच थ्री और इधर पॉजिटिव. तो एक इंटरमीडिएट फर्स्ट. नाउ रिंग एक्सपेंशन, जिसका नाम है रिंग एक्सपेंशन, तो ये बन गया होगा दो सिक्स मेंबर रिंग, यहां से बॉन्ड बन गया होगा. ठीक है, पॉजिटिव एक सी एस थ्री पे पॉजिटिव बच गया, दूसरा सी एस थ्री पास आ गया, ये बन गया. अब यहां से एच प्लस बाहर हो गया, ये बन गया, ये दो नंबर इंटरमीडिएट दो. तो कितनी रिएक्टिव स्पीसीज बनी है? दो, दो कार्बोकैटायन बने. नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये लो या ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ए क्या बना बताओ? ए बना ये वाला, ग्रिग्नार रेजिन ने अटैक किया, बीआर को बाहर कर दिया, बी क्या बन गया? तीन कार्बन वाला. फिर वापस से क्या बन गया? सी क्या बन गया? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. फिर एन ए ड्राई ईथर उर्ज रिएक्शन. तो डी क्या बना? डी आपका बना ये वाला. मोलिकुलर वेट ऑफ डी इज एक्स, तो आपके पास यहां बना है सी सिक्स एच फोर्टीन, तो 72 और 14 मतलब 86. चलो फिर आगे NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस. तो बी जो बनेगा, बी जो बनेगा वो ये बनेगा. और इसकी रिएक्शन करवाई Br2 इक्विवेलेंट से, तो Br2 इक्विवेलेंट से कराएंगे तो ये बन जाएगा, ये Br. ठीक है, कहीं भी लगा दो. आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां कार्बन कितने हैं? अक्स की वैल्यू आपके पास आई 86, वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 6. फिर ये वाली रिएक्शन पूछी है Br. ए क्या बना? ए बना CH3 CH CH3 2 CuLi, जिलमांस रिएजेंट बोलते हैं भैया, कभी कभी इसको भी याद कर लिया करो, जिलमांस. और इसने ये आपका बना बी, बी की रिएक्शन इस कंपाउंड से करवाई होगी CH3, और यहां अक्स लगा हुआ था और इस पे था नेगेटिव चार्ज और इसने इस पे अटैक किया होगा, इसको बाहर किया होगा, तब जाके ये बना था. तो नंबर ऑफ कार्बन इन सी, तो सी में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? सी वाला क्या है? सी वाला ये वाला, ये सी, इसमें कार्बन कितने हैं? 6 और 1 7, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 7. आंसर 99. तो ये थे जेई एडवांस का इस बार पेपर का. खास तौर पे ध्यान रखा कि एनसीईआरटी को जरूर टच करना है, मतलब सिली मिस्टेक हो सकता है बट पेपर का कंसेप्ट आपको आना चाहिए. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.